हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त हम मौजूद हैं NIT 5 शहीद भगत सिंह चौक पर। जो ये चौक है और जो ये शहीद भगत सिंह पार्क है, ये तकरीबन पिछले काफ़ी सालों से जो इसकी हालत है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। शहीद के नाम पर इस चौक को, इस पार्क को बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से शहीद के नाम पर इन पार्कों को बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये उनकी निंदा करता है। आप इस पार्क के हालात देख रहे हैं, किस तरीके से बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। जो इस पार्क की ग्रिल है वो बिल्कुल टूट चुकी है और इस पार्क के अंदर जानवर विचर रहे हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। प्रशासन की आंखें अभी भी बंद है, न जाने कितनी ऐसी और भी जगह हैं जहां पर जो हालात हैं बिगड़े हुए हैं। हालांकि वो कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी चीज़ें ऐसी की ऐसी दिखती हैं। तो चलिए, आज शहीद दिवस है और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि शहीद दिवस पर वो माल्यार्पण तो करने आए हैं क्या। जिस तरीके से शहीदों के नाम पर इस पार्क को, इस चौक को बनाया गया है और जो इसकी हालत है, क्या वो सही है? और उन शहीदों के जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी, जिनके नाम पर ये चौक बना गया है, इस भाजपा सरकार ने इस शहीदों को इतना दुर्गति कर दी है कि इस पार्क का हाल देख लो, इसमें गाय बैठी हैं, इसके चारों तरफ से ग्रिल टूटी हुई हैं, पता नहीं शहीद की मूर्ति भी कैसे बची हुई है, वरना ये भी खंडित हो जाती। सरकार ये इस तरह के शहीदों का अपमान कर रही है। अगर इनके बस की नहीं है तो ये आम आदमी पार्टी के हवाले कर दे, हम इसका जीर्णोद्धार करके, इसकी बाउंड्री करा के, इसको बढ़िया रूपरेखा देने को तैयार हैं, हम इसका काम करने को तैयार हैं, अगर ये सरकार इस काम से पीछे हटती है तो। जी, जिस तरीके से लोग इन सब चीज़ों को लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार की आँखें खुल सकती हैं? सरकार की आँखें खुली हुई हैं, मगर भ्रष्टाचार के लिए खुली हुई हैं। अगर भ्रष्टाचार में कहीं आगे है तो भाजपा सबसे आगे है। नगर निगम का घोटाला देख लो, कोई भी घोटाला देख लो, इस शहर में एक राम केवल बाबा जी पिछले एक महीने से बैठे हैं रोड के लिए, वहाँ रोज दुर्घटनाएं होती हैं, मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार निकम्मी है और सरकार को न किसानों की चिंता है, न जवानों की चिंता है, न शहीदों की चिंता है, किसी की भी चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरने की चिंता है। देखो, एक बहुत पुराना शेर है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों के यही आखिरी निशान होंगे। तो आप खुद देख लीजिए कि आखिरी निशानों का क्या हाल है। देखो, आखिरी निशानों में से एक है ये, उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि होनी चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारी गुरबानी में भी एक लाइन है, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हित, यानी कि हमें उनको पहचानना चाहिए जो हमारे धर्म के लिए, मजहब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए लड़े। अब उनके लिए हम क्या कर पा रहे हैं, अब ये सोच लीजिए, इनका बुरा हाल हो चुका है। इन पार्कों का जो स्मारक बनाए हैं, जो चौक बनाए हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। ये तो आज शहीदी दिवस है तो लोग इकट्ठे हो गए, नहीं तो यहाँ आवारा पशु विचरण करते हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है यहाँ का। NIT 86 विधानसभा सहित पूरे देशवासियों को शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, आज उनका शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस मनाने के लिए आज सभी सामाजिक संगठन के लोग एकजुट हुए हैं और आज हमने माल्यार्पण करके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो हमारे शहीद हैं, उनको याद किया। लेकिन जो हमारी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो ये कहती है राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर वोट मांगती है, सेना के नाम पर वोट मांगती है। जो देश के आज हम देख रहे हैं, खुली सांस ले रहे हैं, उन्हीं वीर जवानों की बदौलत हम ये सांस ले रहे हैं और उनका जिस तरह से ये सरकार, मौजूदा सरकार की बात करें, 1990 में ये मूर्ति यहाँ स्थापना हुई और आज भी इतनी बुरी दुर्दशा है यहाँ पे कि चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, ना कोई सही स्मारक सही से सफाई की गई है, ना कोई देखरेख की गई है। बड़ी तकलीफ होती है कि जिन वीर जवानों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, आज ये गूंगी बहरी सरकार उनके साथ भी इस तरह का भद्दा मजाक कर रही है कि उनके स्मारक की कम से कम देखरेख तक नहीं कर सकती है। तो सुना आपने, लोगों को इस पार्क को लेकर, इस चौक को लेकर कितना रोष है कि जिस शहीद के नाम पर इस पार्क को बनाया गया है, कहीं ना कहीं उनकी ये निंदा करता है। जिस तरीके से आपने भी इस पार्क के हालात देखे, वो कहीं ना कहीं इन लोगों की बात भी सही है। उन लोगों का कहना है कि सरकार, प्रशासन इस बात की तरफ ध्यान दे कि जिस शहीद के नाम पर इस पार्क को बनाया गया है, कम से कम उसकी हालत में सुधार करे। कैमरा पर्सन राजेश पुंजानी के साथ संवाददाता कृष्णा, पाइनियर, हरियाणा।